हेलो अनीता जी, गुड मॉर्निंग। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। यू आर द अर्ली बर्ड। हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। I can't understand your emojis. Why are you laughing so much? I think this is by mistake. Morning, everyone. I am Indu Sharma from Dehradun. कल थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ था, आज और अच्छे से करेंगे. हेलो अर्चना जी. वेयर आर यू फ्रॉम अर्चना जी? Hi Nandita, good morning. Glad to see you here. Share this video with your friends so that other people also join. Today some women are also going to join my video, this live session. They are from some NGO and they are making some interesting diyas from cow dung cake, and that will be infused with some essential oils and some herbs. I will love to help them. If they say learn something from me, that will be a great thing for me. Okay, you are from Delhi. Welcome to Dehradun. These live sessions are amazing. कितने दूर दूर से लोग मिल जाते हैं आपस में, अच्छा लग रहा है मेरे को. आज मैं आपको ये सिखाने जा रही हूं हाउ टू मेक अ सिंपल बॉटल. बिल्कुल ऐसे सिंपल बॉटल लाइक दिस. ये जो बॉटल बिल्कुल सिंपल बॉटल है, जैसे कहीं भी कोई पार्टी वगैरह होती है तो वहाँ थोड़ा कॉकटेल होता है तो वहाँ बहुत सारी बॉटल्स मिल जाती हैं. तो मेरे फ्रेंड्स को तो पता है कि इनके पास भेज दो ये बॉटल्स तो कुछ ना कुछ अच्छा बन जाएगा उनका. तो ये एक डेकोपाज वर्क होता है जिसको करके हम बॉटल्स को बहुत सुंदर बना सकते हैं. अभी ये तो बेसिक हुआ है, मैं आपको बताती हूँ अभी. और ये कुछ बॉटल्स जो मेरी बनी है, कल भी मैंने आपको दिखाया था, ये भी ऐसी सिंपल थी. नाउ दे आर गॉर्जियस एंड दे. हाँ, मैं अपने बारे में बताती हूँ. श्योर, व्हाई नॉट. इसमें काफी टाइम लगता है, ये तो सब एडवांस वर्क है, लेकिन कहीं तो इंट्रोडक्शन होगा. मैं अपने बारे में बताती हूँ. आई एम इंदु शर्मा फ्रॉम देहरादून एंड
previously I was a teacher. I was teaching in DAV Public School, Dehradun. And we are also running our own school, Ideal Traders Academy. तो ये था कि कुछ और जगह का भी एक्सपीरियंस लिया जाए. तो मैंने DAV पब्लिक स्कूल में इंटरव्यू दिया, वहाँ सिलेक्शन हो गया. तो 9 ईयर्स वहाँ पे भी मैंने स्पेंड किए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. बहुत कुछ होता है वहाँ पर. DAV पब्लिक स्कूल हर जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके लिए तो मेरी तारीफ ही निकलती है. मैंने भी बहुत कुछ सीखा उनसे. तो नाउ आई एम फ्री. आई हैव टू ग्रोन अप चिल्ड्रन. मेरा बेटा है जो कि इस समय US में है, एप्पल में मैनेजर है, कैलिफोर्निया में रहता है. मेरी डॉटर इन लॉ वो अमेजोन में मैनेजर है. मेरी डॉटर जो है वो यहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉलेज है ग्राफिकरा, उसमें एडमिन ब्लॉक में है. मेरे सन इन लॉ का अपना एग्रीकल्चरल बिजनेस है. तो दे ऑल आर वेल सेटल्ड एंड नाउ आई एम फ्री, टोटली फ्री टू एन्जॉय माई हॉबी. तो 2 साल पहले मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था. मैंने कहा कि बहुत हुआ, किसी के अंडर काम करने का काम खत्म हुआ, अब मैं अपनी मर्जी से काम करूँगी. एंड नाउ आई एम अ फ्रीलांस आर्टिस्ट. मैं बहुत कुछ आर्ट बनाती हूँ, हर तरह की आर्ट. जैसे जैसे मैं फ्री हुई थी तो मैंने कहा कुछ नया करूँगी, तो मैंने रेजिन वर्क शुरू किया था. तो मैं रेजिन ही बहुत रेजिन के, ये पीछे कुछ मेरा वर्क रेजिन का आपको दिखाई दे रहा है ना, बहुत सारा तो सोल्ड आउट हो गया. कुछ एक ऊपर मैंने अपना रूम बनाया हुआ है तो वो वहाँ पड़े हुए हैं. तो यहाँ पे हम कितना रखे नीचे, ये तो मैंने भगवान जी से थोड़ी जगह ले ली है. दिस इज़ आर प्रेयर रूम. तो यहाँ पे मैं प्रेयर करती हूँ, भगवान को याद करती हूँ जिन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया आप सब से मिलने का भी. तो उनसे थोड़ी जगह ली है. यहाँ पे मेरा एक अपना छोटा सा वर्कशॉप बनाया हुआ है, मेरा स्टूडियो जिसमें मैं अपना काम करती हूँ. तो अब मैं जो हूँ बिल्कुल फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ. मैं रेजिन भी करती हूँ, एक्रेलिक पोर भी करती हूँ, एंड दीज ट्रेडिशनल आर्ट्स ये सब करती हूँ. जब दिल करता है करती हूँ, जब दिल करता है नहीं करती हूँ. तो अब मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है. आई डोंट हैव एनी ऑफ माय बॉसेस हियर. कोई ऐसा मेरा बॉस नहीं है एंड आई एम द बॉस. तो ऐसा काम सबको सीखना चाहिए. और मैं कोई ट्रेंड आर्टिस्ट नहीं हूँ. आई विल से आई एम नॉट अ ट्रेंड आर्टिस्ट, आई एम सेल्फ लर्नर. मैं धीरे धीरे हर चीज़ को ऑब्जर्वेशन, आई हैव अ कीन ऑब्जर्वेशन. मैं हर चीज़ को देखती हूँ, हर एक को करते हुए देखती हूँ एंड देन आई लर्न इट. कहीं भी हम यूट्यूब वीडियोस में भी देखते हैं, अब वो लोग तो वहाँ पूरा नहीं दिखता क्योंकि यूट्यूब में इतना टाइम नहीं होता है कि आपको डिटेल्ड वीडियो दिखाया जाए. मेरा अपना भी चैनल है, मैं उसमें अपनी वीडियोज़ डालती हूँ. आप लोग चाहोगे तो उसको विजिट करना, इसी नाम से ही है. साथ में एक देहरादून और लग जाएगा, क्रिएट विद इंदू देहरादून. तो आप उस चैनल पर जाके देखिएगा, वहाँ पर भी मेरी कई तरह की प्लेलिस्ट है. तो उसमें मेरी आर्ट एंड क्राफ्ट की भी, एक्रेलिक की भी है, रेजिन की भी है, और उसके अलावा कुछ कुकरी प्लेलिस्ट भी हैं, जनरल ब्लॉग्स भी हैं. तो देखिएगा आप लोग. तो मैं अपना जो है सब कुछ, जो जो कुछ मेरे को दिल करता है मैं सीखती हूँ, बनाती हूँ और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करती हूँ. और पेंटिंग्स को सेल भी करती हूँ. पीपल रिक्वेस्ट मी टू मेक एनी पेंटिंग, देन आई डू कमीशन वर्क ऑल्सो. अभी 2 पेंटिंग्स हैं मेरी जो जाने वाली हैं. दे आर हेयर जी, छोटी छोटी बड़ी अच्छी पेंटिंग्स हैं ये. तो बड़े शौक से किसी ने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि ये पेंटिंग्स तो हमें चाहिए. शी वॉन्ट्स दीज 2 पेंटिंग्स. तो देहरादून तो बड़ा सुंदर एक नेचर, फुल ऑफ नेचर्स ब्यूटी. दिस सिटी इज़ फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी. तो ये भी मेरे को वहीं कहीं बर्ड्स दिखाई दी और कुछ मेरे को लगा कि बनाना चाहिए, मैंने बनाया. हाय बिंदिया जैन, हाय रूपाली, और कौन कौन है, अर्चना गुप्ता जी, नंदिता अरोरा, और लोग भी जुड़ने चाहिए. तो ये है मेरा. और मेरा लाइफ स्पैन कैसे शुरू हुआ, शुरू में मेरे को शुरू से ही आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत मेरे को इंटरेस्ट था. तो मैं चाहती थी, लेकिन फिर हुआ कि साइंस में भी इंटरेस्ट था. डाइसेक्शन का बड़ा मेरे को लगता था. जब चॉइस मिली ना, तो ये था कि 8th में हम लोग को चॉइस मिल जाती थी. 8th के बाद 9th जब ज्वाइन करना होता था कि आप आर्ट लीजिए या म्यूज़िक लीजिए या फिर आप साइंस के साइड में जा रहे हो, तो फिर तो साइंस साइड हो गए. तो अब आर्ट और म्यूज़िक में से हमने क्या लेना है, तो कर करा के मैंने फिर आर्ट को ही चुना क्योंकि म्यूज़िक भी बहुत पसंद था मेरे को. लेकिन आई चोज आर्ट एंड क्राफ्ट. तो वहाँ भी मैं पेंटिंग्स बनाती थी, बहुत सारे प्राइजेस लिए. 8th में मेरे को चैम्पियनशिप मिली थी,
अच्छा, लेकिन उसके बाद फिर लाइन चेंज हो गई, फिर अपना पापा का ट्रांसफर हो गया, दूसरे स्कूल में पहुंच गए जहाँ पे जो सब्जेक्ट्स मिलते थे वो ज्वाइन कर लेते थे हम लोग। तो हम लोग का टाइम तो ऐसे ही था, हम लोग ऐसा इतना करियर ओरिएंटेड नहीं सोच पाते थे। तो जबकि मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे थे, पुराने टाइम के सब कुछ था। मेरे फादर जो था ही वॉज फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ सरगोधा, वो एरिया पाकिस्तान में चला गया है। लेकिन वो था कुछ टाइम ऐसा ही कि इतना नहीं होता था, ये होता था कि सब कहीं हॉस्टल में नहीं छोड़ना बच्चों को, चलो जी जहाँ जाना है, जहाँ पापा का ट्रांसफर हो रहा है एक साथ ही जा रहे हैं। तो जहाँ गए और एट लास्ट क्या हुआ कि कहीं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं मिल रहे हैं, ज्योग्राफी वगैरह आर्ट साइड हो गए, ज्योग्राफी आ गया, फिर ड्राइंग एंड पेंटिंग इलेवंथ में आ गया था। लेकिन ट्वेल्थ जब हम बीए हमने करना के लिए सोचा तो वहाँ पर फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स नहीं थे, फिर हमको आगे इकोनॉमिक्स, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, चलो जी उस लाइन को पकड़ लिया। तो मेरे को लगता है कई लोग मेरे साथ रिलेट कर रहे होंगे। हेलो रोमा जी, तो मुझे लगता है कई लोग सोच रहे होंगे हाँ हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ, बनना कुछ चाहते थे बन गए कुछ। अब उसमें क्या हुआ कि दीदी, बड़ी दीदी ने इकोनॉमिक्स में एमए किया था, तो सब उनके नोट्स भी थे, बुक्स भी थी घर में, चलो जी हमने भी इकोनॉमिक्स ही कर लिया। तो उसमें मेरा बीए में पहले बीए ऑनर्स भी साथ में इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी हुआ, और उसके बाद फिर आगे इकोनॉमिक्स में ही पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया। शादी के बाद अगर आए तो यहाँ पे घर का अपना स्कूल था तो बीएड कर लिया। अब बीएड हो गया है तो चलो जी अपने स्कूल में हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे लेकिन मैंने अपना आर्ट एंड क्राफ्ट का एक सब्जेक्ट जरूर रखती थी कि अपने स्कूल में तो मैं कह भी सकती थी, और दूसरे स्कूल में जहाँ मैं गई वहाँ तो नज़र आ गया कि इंदु मैम तो बड़ी अच्छी ड्राइंग एंड पेंटिंग करती हैं, चलो जी आपने तो ये क्लासेस लेनी है। तो मैं हाई स्कूल और ट्वेल्थ तक की भी क्लासेस लेती थी, तो वहाँ पे मेरे को दे दिया जाता था कि सैटरडे को आपने जाना है वहाँ पे आर्ट एंड क्लास, कुछ स्पेशल आपने सिखा के आना है। तो थोड़ा टच में रही, लेकिन अपने लिए फुल टाइम नहीं दे पाती थी कि अपना हॉबी मैं अपनी मर्जी से पूरा करूँ। हेलो रीना मित्तल जी, गुड मॉर्निंग। तो फिर बस अपना जो है फिर जॉब चलती रही, अपने सब्जेक्ट भी छूट गए, जो प्राइमरी क्लासेस थी, सीनियर क्लासेस थी, उसमें जो सब्जेक्ट मिलता था वही पढ़ा देते थे, तो इस तरह से चल रहा था। लेकिन आर्ट कहीं पीछे छूटी हुई थी, तो दो साल पहले फिर मैंने अब आई क्विट माई जॉब एंड नाउ आई एम टोटली फ्रीलांस आर्टिस्ट। तो ये आपको पीछे मेरी वो भी दिख रही होगी रेज, ये तंजौर, तंजौर के साथ है पट चित्र, है ना, और उसके साथ है ये केरला म्यूरल, ये मिक्स मीडिया भी है, ये भी करती हूँ। वो पीछे से झांक रहा है जो वो मेरा एक्रेलिक पोर है, एक ये पीछे आपको वो दिख रहा होगा एबोज वर्क जो हम क्ले से करते हैं, हैंडमेड क्ले है, ये ऊपर रेजिन ट्रेज है, वो ऊपर आपको जो दिखाई दे रही है वो है हमारी चेरियल पेंटिंग। क्लियर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं हाथ में लेके भी दिखाऊंगी किसी टाइम आपको। दिस इज मधुबनी एंड दिस इज तंजौर पेंटिंग माय कान्हा जी। ये फिर साथ में ये आपको नीचे एक वो दिखाई दे रही है, एक छोटी सी भी हाँ ये ट्रेस दिखाई दे रहे हैं रेजिन के, है ना, ये सब है जो मधुबनी है। और ये जो पेंटिंग्स हैं एक्रेलिक पेंटिंग्स तो है ही, ये भी ऊपर एक्रेलिक पेंटिंग है, वो नीचे ऊपर जो है वो वॉन गो उनका स्टारी नाइट, ये सब एक्रेलिक में है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अच्छा टाइम पास है। ये ऐसी हॉबीज जिनके पास है ना वो कभी बोर नहीं होते, नेवर, उनके पास सोचने के लिए टाइम ही नहीं होता कि क्या गलत कोई जना कर रहा है, क्या कर रहा है कुछ। एक मेडिटेशन में हम लगे रहते हैं, जो बनाने का दिल किया बनाया, उस क्रिएशन में ही खुश हो जाते हैं, हम भी छोटे मोटे गॉड बन जाते हैं, है ना। जब हम लोग कुछ क्रिएट करते हैं तो उस चीज़ के लिए तो हम ही गॉड हो गए, बड़ा अच्छा लगता है कि हमने इसको बनाया है, तो उसी की सुध-बुध में हम खोए रहते हैं। तो अभी जितना कोरोना के टाइम पर हम लोग घरों में बंद थे, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, मैं तो मतलब अपना ये ध्यान ही रहा कैसे टाइम बीत रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स रोमा। तो बस अपना ये कुछ ना कुछ पेंटिंग बनाती रहती थी, जो पेंटिंग शुरू हुई उसको ख़त्म भी करना है, अब ख़त्म हो गया तो चलो कुछ और बनाते हैं, तो ऐसा ही चल रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि आप सबको भी ऐसे ही करना चाहिए कुछ ना कुछ, अगर आप बिज़ी रहेंगे तो आप अपने लाइफ में कभी भी बोर नहीं होंगे, कभी भी आप वो कहते हैं क्या डिप्रेशन हो रहा है, अभी क्यों डिप्रेशन होना है, व्हाट इज़ द कॉज। कितने भी दुख तकलीफें आए मेरे लाइफ में, बहुत कुछ परेशानियाँ भी आईं, लेकिन ईश्वर ने साथ दिया, मैंने अपना काम करना नहीं छोड़ा, तो मेरे बच्चे उसी में खरा सोना बन के निकले,
दोनों वेल सेटल्ड हैं, अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत खुश हैं सब। तो ये अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए, सबको कर्मठ रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आप लोग शेयर कर रहे हैं, शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़े। तो मैं अपना काम शुरू करूं, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉग्नाइज के बारे में भी बताती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपना हेयर डाई करना छोड़ा, मैंने कहा मैं नहीं करती, बहुत हुआ, क्यों करना नकली काम, कलर ही करना है तो अपने कैनवस पे करो। तो कुछ लोगों को बड़ा लगा, लेकिन मैं अपना रेगुलर अपडेट देती रही उसके फेसबुक के ऊपर ताकि लोग मेरे को पहचानते रहे। तो सब मुझे पहचान रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप में से भी कुछ लोग अगर सोच रहे हो कि अरे अगर ग्रे हेयर करेंगे तो कैसा लगेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता और अच्छा लगता है, अंदर इनर ब्यूटी आपकी बाहर आती है। आप लोग शेयर कीजिए। अब मुझे लगता है कि जो रूरल लेडीज ने ज्वाइन करना था वो नहीं कर पा रही होंगी, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम तो होती है। और कल मैंने आप लोग को कहा था आप लोग के लिए सुटेबल टाइम कौन सा होगा। अगर ये टाइम नहीं है सुटेबल तो हम किसी और टाइम पे भी बैठ सकते हैं, क्योंकि मुझे आके अगर बैठना है आप लोग के आगे, लाइव होना है, तो वो टाइम होना चाहिए ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, तभी मैं कल से लाइव आऊंगी। नहीं तो अगर इस टाइम कोई आने वाले नहीं है तो फिर मैं अकेली बोलती रहूँ, कोई फायदा नहीं है, है ना। अगर मेरे एक्सपीरियंस से आपने कुछ सीखना है, अपने डेली लाइफ में भी आप लोग को बहुत सारी बातें मेरे से जब आप करोगे ना, आप शेयर कर सकते हो और आप लोग मेरे से बहुत सारे सॉल्यूशंस भी पा सकते हो। मेरे साथ बात करने वाला मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, कभी डिप्रेशन की बात नहीं करेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मुझसे बात करने वाला कभी डिप्रेशन की बात नहीं कर सकता है, कभी कोई गलत स्टेप उठाने की बात नहीं कर सकता है, मैं उसके इतने अच्छे से सॉल्यूशन बताऊंगी। तो क्योंकि लाइफ का इतना एक्सपीरियंस हो गया हम लोगों का कि इतने टाइम में तो हम बहुत सारी चीज़ों को समझ चुके हैं कि एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। सो डोंट वरी, नेवर पैनिक अबाउट दिस प्रॉब्लम, सब सॉल्व होता है। और ऐसे ही लाइफ में आप कुछ ना कुछ सीखने का सोचते रहिए। तो ये फिर कोई हंस रहा है, कौन हंस रहा है ये? ओह यस, लुक एट दिस, थैंक यू, दिस इज मेड बाय मी ओनली। वी आर्टिस्ट आर वेरी क्रेजी। हमें रेगुलर अब मंगलसूत्र है डाला हुआ मैंने, अदरवाइज मुझे तो अब यही सब ज्वेलरी अच्छी लगती है। थैंक यू, आप लोग को भी सिखाऊंगी किसी टाइम। हाय प्रीति, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। लेट हुए थोड़ा सा, मुझे तो लग रहा था मुझे वाइंड अप कर देना चाहिए क्योंकि बहुत कम लोग इकट्ठे हुए हैं। तो मैंने टाइम पूछा था कल, मैंने सबको बोला था कि आप लोग टाइम बताइएगा, व्हाट इज द सुटेबल टाइम फॉर यू, आई विल कम ऑन दैट टाइम ओनली। जो भी टाइम होगा मैं थोड़ा सा अपने टाइम को उस ढंग से मैनेज कर सकती हूँ। किसी दिन नहीं होगा, नहीं आएंगे, अदरवाइज वो एक टाइम हम फिक्स कर लेंगे, हम लोग उस टाइम पर इकट्ठे होंगे। हेलो, हेलो जहरा जी, जाहिरा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो मैंने ऐसे ऐसे तो और पेंडेंट वगैरह और भी बनाए हुए हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी, कल दिखाऊंगी आपको, मैं ला के रखूंगी यहाँ पर। तो कुछ कुछ बनाती रहती हूँ, बता तो रही हूँ, कुछ मिनिएचर भी हो जाता है, कुछ बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हो जाती हैं, कुछ इतनी छोटी हो जाती हैं जिनको हम पेंडेंट या टॉप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसा भी है। तो आपने जब भी, वैसे मैं आपसे चलिए जनरल बात थोड़ा सा और करती हूँ कि जब भी आप आर्ट एंड पेंटिंग करना चाहते हो तो एक तो आपके पास ब्रशेज अच्छे होने चाहिए। मेरे पास पुराने ब्रशेज बहुत सारे हैं, तो पहले तो मैंने बहुत टाइम तक नहीं लिया कुछ भी, नए ब्रशेज नहीं लिए, लेकिन फिर मेरे को लगा कि कुछ ब्रशेज तो नए लेने ही चाहिए, क्योंकि कुछ ब्रशेज काफ़ी जब पुराने हो जाते हैं तो वो साथ देना छोड़ देते हैं। तो आर्ट एंड अपने ये वाटर कलर के लिए ये ब्रशेज मैं यूज़ करती हूँ। एक्चुअली खैर नहीं, ये कॉस्टली ब्रशेज हैं, फाइन आर्ट के ब्रशेज अच्छे हैं, लेकिन मैं बता दूँ आपको, दीज आर द ब्रशेज, दीज आर सिल्वर ब्लैक, सिल्वर ब्लैक वेलवेट। ये ऑनलाइन मिल तो जाते हैं, मैंने, मेरे बेटे ने मंगवा के दिए थे मेरे को, US में मंगवाए थे, पर ये बड़े अच्छे ब्रशेज हैं, बहुत अच्छे हैं। और ये अपने इंडिया में मिलने वाले हैं, बी इंडियन बाय इंडियन, ये हमारे फाइन आर्ट के ब्रशेज हैं, सब बहुत अच्छे हैं। ये जो ब्रशेज होते हैं, ये आप देख रहे हैं, दिख रहा है आपको,
इतना फाइन टिप है, इतना मोटा ब्रश है, इससे आप आउटलाइन भी कर सकते हैं। तो एक अच्छे ब्रश की पहचान यही होती है, दिस इज द पॉइंट शुड बी देयर, ब्रश पे पॉइंट होना चाहिए। तो अगर आपके पास अच्छे ब्रशेज हैं तभी आप अच्छी पेंटिंग बना सकते हो। ब्रशेज अच्छे नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे नहीं है तो काम कैसे अच्छा होगा। थैंक यू नंदिता जी, आई एम ऑल्सो वेरी ग्लैड टू मीट टू यू ऑल ऑल्सो। तो ये जो मैं बात बता रही हूँ कि दिस इज द बेसिक टूल्स, दीज आर द बेसिक टूल्स। आपके पास ब्रशेज अच्छे होने चाहिए, आपके पास कलर पैलेट होनी चाहिए। देखिए मैंने इसको भी कलर पैलेट बना लिया, ये मेरा फ्रिज का एग रैक था, मैं एग नहीं खाती, आई एम एलर्जिक टू एग। मैंने कहा वाई डोंट आई यूज दिस एज माई कलर पैलेट। आप एक अच्छी कलर पैलेट रखिए। इसके अलावा पानी, पानी हमेशा आपको दो पॉट्स रखने चाहिए, मैं एक के अंदर एक कर लेती हूँ। इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी, इसके अंदर मैं ब्रशेस को धोती हूँ, वॉश करती हूँ और इसमें साफ पानी लेती हूँ। एक मैंने एक बॉटल को भी, ये मेरी एक लॉरियल की बॉटल, आप सब पहचानते होंगे कलर कास्टिंग। तो अब इसका तो फेंक देना है, वैसे तो मैंने इसको यूज़ किया, थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर अगर मेरे को चाहिए तो मैं इस बॉटल में पानी रखती हूँ और उससे डाल लेती हूँ। कई जगह के लिए स्प्रे बॉटल भी है, आप बड़े कैनवस पे काम कर रहे हो और आपको थोड़ा सा अपना पेंटिंग का टाइम बढ़ाना है, ड्यूरेशन बढ़ा रही हो तो आप स्प्रे करते हो, तो एक स्प्रे बॉटल भी आपके पास होनी चाहिए, साफ पानी हो जिसमें। एंड फिर कलर्स वगैरह हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स। व्हाट इज ज्वेलर्स मटेरियल्स? रोमा आई कांट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, प्लीज बी क्लियर। ये कलर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्रेलिक कलर्स, आप किसी भी कंपनी के ले सकते हो। कुछ फैब्रिक पे काम करना हो तो फैब्रिक ग्लू ये होनी चाहिए। हाय दिव्या, नाइस टू सी यू हियर, रोज आएंगे, टाइम फिक्स करेंगे तो मैं भी रोज आऊंगी, अदरवाइज मेरे को वाइंड अप करना पड़ेगा। अगर खाली 14 पीपल दिखाई दे रहे हैं मेरे को तो इतने कम तो गलत बात है ना। एक जना आपके लिए टाइम अगर निकाल रहा है तो आप भी आइए, टाइम निकालिए, बात कीजिए उसके साथ। सो यू ऑल हैव टू फिक्स टाइम, ये कौन सा टाइम आप लोगों के सुटेबल है, तो मैं उसी को ही एक मीन टाइम निकालूंगी कि हाँ ये टाइम सबके लिए सुटेबल है, देन आई विल कम ऑन दैट टाइम ओनली। ये कलर्स हो गए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर, ये छोटे पैक्स भी आते हैं कलर्स के, है ना, ट्यूब्स भी आती हैं। तो शुरू में आप स्टूडेंट ग्रेड कलर्स लीजिए, उसके बाद आप आर्टिस्टिक ग्रेट कलर्स ले सकते हो। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप भी डालो, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? मैंने ये तो पूछा ही नहीं। एम आई ऑडिबल टू यू क्लियरली? थैंक्स दिव्या, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अरे हाँ, कुछ हार्ट्स, कुछ थम्स अप दीजिए तो मुझे पता लगे कि हाँ सब लोग देख रहे हैं, जागे हुए हैं या सो रहे हैं। हेलो प्राची, कोई थम्स अप नहीं। थैंक यू, थैंक यू आनंदी, थैंक यू निशिता, सेम हियर दिव्या। मेरे को ढेर सारे थम्स अप मिलेंगे तो मैं फिर डेकोपाज शुरू करती हूँ कि कैसे करना है, मैं आपको बताती हूँ, मुझे पता तो चले कि कोई देख भी रहा है। आई वॉन्ट टू सी थम्स अप एंड योर हार्ट कमिंग टू मी, थैंक यू। किसी ने एक दिल निकाला। ओके ओके, चलिए ये खाली बॉटल थी जिसको मैंने डेकोपेज किया है, तो मैं आपको बताती हूँ, आज बेसिक आपको बताऊंगी कि कैसे करना होता है, क्या करना होता है। आप कहेंगे कि हमें चाहिए क्या क्या, है ना, तो आप लोग के पास अभी कोई सामान भी नहीं है, कोई बात नहीं, अभी आप देखो और आपको समझ आ जाएगा तब आप अपना सामान लेके आना और बनाना उसको, नो प्रॉब्लम। तो इसके लिए आपको एक तो मॉड पॉज चाहिए होती है, मॉड पॉज चाहिए होती है, फेविक्रिल की भी आती है और एक दूसरी भी है मार्केट में आती है, कई तरह की आती है। मेरा इस समय मॉड पॉज इट्स नॉट हियर, नहीं तो मैं आपको दिखाती।
ठीक है, तो मॉड पॉज चाहिए होता है आपको, और एक आपको व्हाइट कलर चाहिए होता है जो आपने बेसिक इसके करना होता है। हाय अविनाश कौर, हेलो हर्षा जी, हेलो, नाइस टू सी यू हियर। आप देर से आए, बहुत देर से आए, मैं तो जाने लगी थी। तो आपको व्हाइट कलर चाहिए होगा बेस कोट करने के लिए। कोई भी अगर हमने टिश्यू जो ये डेकोपेज करना होता है तो उसमें आपको बेस कोट व्हाइट चाहिए होता है, ठीक है। तो बेस कोट आपने करना है, चलिए हम शुरू करते हैं फिर। और उसके लिए आपको फेविकोल भी चाहिए होता है। तो ये एक बॉटल में मैंने थोड़ा सा वाइट बेस किया हुआ है, क्योंकि अभी मैं सब कुछ सारा कुछ एक साथ ही करूंगी ना, तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा और वो सूखेगा नहीं, ड्राई नहीं होगा। तो मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा, अब इसको नीचे डाउन कर रही हूँ तब आप देखिएगा। हाँ, एक आपको टिश्यू चाहिए होगा, कोई भी टिश्यू, ये जो टिश्यू पेपर आते हैं, सॉरी, आप लोग लंच डिनर में यूज करते हैं वही। ये कुछ होते हैं, 3 प्लाई होते हैं, इसमें प्लाईज होते हैं, सिंगल नहीं होते हैं। अगर एक खुलता है मैं दिखाऊँ आपको, हाँ देखिए इसका प्लाई दिखाई दे रहा है, ये प्लाईज अलग अलग, ये देखिए है ना, 1, 2 एंड 3, हमको सबसे ऊपर वाला चाहिए होता है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होगा। और तो मैं सबसे पहले व्हाइट कलर लेती हूँ थोड़ा, चलिए मैं डाउन कर देती हूँ इसको। कैन यू सी दिस, तो ये हम थोड़ा सा व्हाइट कलर निकाल लेते हैं इसमें, और मैं इसमें थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ कि कैसे करना होता है। व्हाइट कलर जो हमने बॉटल के ऊपर करना है, और कलर्स को आप जब भी खोलते हो उससे टाइम बंद करके रखो, नहीं तो ये सब बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। ये हम स्पॉन्ज का, कोई भी जो रफ स्पॉन्ज होता है उसका एक छोटा पीस लेंगे, इसी को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, और इसमें मैं थोड़ा सा फेविकोल भी डालती हूँ। दिस इज फेविकोल एमआर, फेविकोल भी थोड़ा लेंगे, व्हाइट कलर में थोड़ा फेविकोल डालिएगा। जिससे ये ग्लास बॉटल पे अच्छे से अडेयर होगा, इट विल स्टिक टू द बॉटल वेरी नाइसली। चलिए मैं प्लेन बॉटल पे दिखा देती हूँ आपको। आई हैव टेकन दिस प्लेन बॉटल एंड आई एम गोइंग टू, इसको अच्छे से आपने वॉश करना है, ठीक है, कहीं मुझे कुछ ऑयली, देर शुड नथिंग ऑयली ऑन इट। चलिए तो ये हमने कलर लिया, उसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लें। इसको आप ब्रश से भी कर सकते हो, बट ब्रश से उतना अच्छा नहीं आता, पैची आ जाते हैं, ब्रश के निशान आ जाते हैं। इसको अच्छी तरह से ऐसे रोल किया आपने, इस तरह से आपने कलर लिया, एंड देन यू हैव टू डैब इट लाइक दिस, एंड यू हैव टू डू 2 or 3 कोटिंग्स। इज दैट क्लियर? और जब एक कोटिंग आप कर लेंगे उसको ड्राई होने दीजिएगा, ठीक है। मैं इसको रख देती हूँ, एंड आई विल टेक अनदर बॉटल। तो ये हमारी बॉटल, जैसे हमने इसके ऊपर 2 कोट्स कर दिए हैं, ओके। हाँ,
तो अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल डिसाइड कि हमने कहाँ पर अपना जो भी हम इसके ऊपर डिजाइनिंग करना चाहते हैं वो हम कहाँ करेंगे। तो मैंने सोचा कि चलिए यहाँ करते हैं, ये इसके ऊपर कुछ रिटन है वो साइड में वो रहेगा सामने, नो प्रॉब्लम, वो भी एक टेक्सचर आता है। ओके, यहीं पे करते हैं, ठीक है। हेयर आई हैव टू पुट सम मॉड पॉज, और अगर आपके पास मॉड पॉज नहीं है, आप कहते हो कि ये तो लॉकडाउन का टाइम है, मॉड पॉज नहीं है हमारे पास, नो प्रॉब्लम, आप ये काम कर सकते हो कि आप फेविकोल लीजिए, मैं बताती हूँ आपको, फेविकोल लीजिए आप, टू पार्ट्स फेविकोल एंड वन पार्ट वाटर। फेविकोल को भी आप तुरंत बंद कीजिए, जब भी आप खोलिए तुरंत बंद कीजिए, नहीं तो ये भी ड्राई हो जाती है। सो टू पार्ट फेविकोल एंड वन पार्ट वाटर, फ्यू ड्रॉप्स, थोड़ा इसको डाइल्यूट जरूर करना है। यस, डाइल्यूट नहीं करेंगे तो ये बहुत थिक होता है, तो ये पेपर को टियर कर सकता है। मिक्स इट थॉरली, नाउ दिस मॉड पॉज इज रेडी। अभी एक गलती हुई मेरे से, मैं अपनी गलतियां भी बताऊंगी आपको ताकि वो गलतियां आपसे नहीं हो। मैंने इसी ब्रश से कलर, वाइट कलर को अभी मिक्स किया था यहाँ पे, आपने देखा ना, और उसमें वो वाइट कलर लगा हुआ था, मैंने वॉश भी नहीं किया था और उसी कलर से इसको मिक्स किया, तो इसमें क्या आ गया होगा, वाइट कलर, है ना। तो अब ये क्योंकि इसमें वाइट कलर आ गया तो दिस इज नॉट मॉड पॉज, ये पूरी तरह से पर्पस सॉल्व करने वाली नहीं है। इसी मॉड पॉज को अगर आपने टिश्यू के ऊपर भी कर दिया तो टिश्यू के ऊपर एक, हाय पूनम कालरा जी, हाय ख्याति, लेट जॉइनर्स, जल्दी आना कल से आप लोग, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। तो इसमें अब थोड़ा सा व्हाइट का टच आ चुका है तो ये थोड़ा गलत हुआ है। जो हमने ऊपर कोटिंग करनी होगी वो मैं आपको दोबारा से बना के दिखाऊंगी, तो बिल्कुल वो खाली फेविकोल एंड वाटर बस वही होना चाहिए, तभी आपकी क्लियर कोटिंग आ पाएगी। ओके, नीचे हम यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा व्हाइट आ गया, नो प्रॉब्लम। चलिए तो हम यहाँ पे करते हैं, ये हमने इसकी एक कोटिंग दे दी, और उससे पहले इसको छोड़िए, अभी पहला काम पहले, वो क्या करना है हमको, टिश्यू तैयार करना है। तो ये मेरा टिश्यू है, इसको मैं यूज करने वाली हूँ। तो चलिए कोई सा ब्रश लेते हैं, टेक एनी ब्रश, पानी लगाया ब्रश पर, एक तो इसकी फसी कटिंग भी हो सकती है, लेकिन आप इसको वेट ब्रश से ऐसे इस तरह से जो एक इररेगुलर कट देंगे तो आपका पता भी नहीं चलेगा आपने कहाँ पर इसको स्टिक किया है। थोड़ा सा पानी लगाते जाइए और ये इसने टिश्यू को हम इससे अलग कर लेंगे लाइक दिस। जो भी आपको लेना है ऑल अराउंड दैट पैट पैच, अप्लाई सम वाटर विद द हेल्प ऑफ ब्रश। ओके, नाउ स्टार्ट टियरिंग इट, ये ऐसे अलग होता जाएगा, वेरी नाइसली, वेरी केयरफुली, सो दैट योर पैटर्न डजंट टियर, बस ये यहाँ से अलग हो जाए। हेलो संजना जी, वी आर लर्न, देखा मैंने गलत कर दिया बात कर, संजना जी आपको हेलो करने में मैं भूल गई, और ये इसका पैर कट गया, कोई बात नहीं, इसको मैं वहीं पे संभाल लूंगी, इसको ये यहाँ से निकाला, इसके छोटे छोटे पैर भी थे नीचे ना, नो प्रॉब्लम। ये आर्टिस्ट तो हर चीज को मेंट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं मैं उसको जोड़ दूंगी, पेंट कर दूंगी। हेलो मंजू जी, मंजू शर्मा, शी इज माय सिस्टर एंड शी इज फ्रॉम कैलिफोर्निया,
Glad you are here. She is very interested in all this and she has a small grandson. उनकी वजह से बड़ा मुश्किल होता है पर उन्होंने टाइम निकाला है. थैंक यू वेरी मच. अब देखिए, अब ये आपका जो पैटर्न आप उस पर स्टिक करना चाहते हैं वो निकल आया है. तो अभी इसके मैंने आपको बताया था 2 or 3 प्लाईज होते हैं, उनको अलग करना है. तो देखिए ये आपका ये इसकी दिखाई दे रही है, ये 1 प्लाई. वी डोंट वॉन्ट ऑल द प्लाईज एंड देन द सेकेंड. एक और होगी, कहीं भी किसी जगह आपको दिख जाएगी, नहीं तो थोड़ा सा पानी का हाथ लगाइए, ये अलग हो जाएंगे. इस टाइम बड़ी केयरफुली करना पड़ता है क्योंकि ये वापस जुड़ जाती है. ये नाउ आई हैव टू रिमूव दिस ऑल्सो. नाउ वी विल put the Mod Podge decoupage glue on the bottle. थोड़े पैच में लगाएंगे. It should be evenly spread out. Very carefully. I will keep it on this. Now leave. Okay? ये बहुत डेलिकेट होते हैं. तो हेलो सरिता जी, हेलो. इसको आपने बड़ा ध्यान से करना है और धीरे धीरे बाहर की साइड में. रिंकल्स नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर थोड़ी बहुत आ गई तो दैट लुक्स वेरी आर्टिस्टिक, नो प्रॉब्लम. उसके लिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा, बस अच्छे से प्रेस करते जाइए और बाहर की साइड हल्के हल्के इसको निकालते जाइए. नाउ वी विल आई हैव टू पुट सम मोर ग्लू ऑन द रिमेनिंग एरिया. इसके ऊपर लग चुका है एडहेसिव तो ये उसको उठाएगा, इसलिए बी केयरफुल. नाउ इन दिस साइड अब इसको आप ब्रश से भी लेंगे. Mod Podge जो है दैट इज़ वेरी सुटेबल फॉर दिस आर्ट वर्क. यू हैव टू यूज Mod Podge. अभी अगर आपके पास नहीं है तो मैंने दिखाने के लिए किया है ना. Mod Podge इज वेरी सुटेबल फॉर दिस वर्क. टिश्यूज आर वेरी डेलिकेट सो यू हैव टू यूज Mod Podge. किसी भी कंपनी का लीजिए, Mod Podge लीजिए. नहीं है तो फेविकोल से भी काम चलाया जा सकता है. Dilute it with water.
एंड नाउ लेट इट ड्राई. ये आपका बॉटल दिख रही है आपको, सुंदर सुंदर बनी. नाउ इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल. आप चाहें तो अभी जैसे यहां रह गया, यहां भी हम थोड़ा सा इसके एंड्स को जरूर सील करना है. सो दिस इज डन. नाउ वी विल वेट फॉर ड्राइंग इट. इसको अच्छे से ड्राई होने दीजिए आप. इन बिटवीन जो ड्राई है मैं वो आपको दिखाती हूँ. ये जो ड्राई हमारा हो चुका है इसके ऊपर हमने अब मैं मॉड पॉच ही लूंगी, क्योंकि उसके अंदर हमारा थोड़ा सा वो मिक्स हो गया था. नाउ डायरेक्टली आई विल यूज सम मॉड पॉच ऑन इट. बहुत थोड़ा सा. And I will take another brush. कोई भी ब्रश यूज करें इससे पहले एक बार उसको आप वाटर में वेट जरूर कर लें, अदरवाइज ब्रशेस खराब हो जाते हैं आपके. Now politely spread all over the motif. अभी एक हमने डायरेक्शन ऐसे रखी है. नेक्स्ट टाइम वी विल डू लाइक दिस, देन अगेन लाइक दिस, देन अगेन लाइक दिस. वी हैव टू पुट सेवरल लेयर्स ऑफ मॉड पॉच टू प्रोटेक्ट आवर वर्क. ये मॉड पॉच होगी इन बिटवीन जो इसका ऊपर का एरिया है इसको भी थोड़ा सा हम डेकोरेट कर देते हैं. उसके लिए हम थोड़ा सा पिंक कलर बनाते हैं. इसमें बेसिकली पिंक कलर इज प्रोमिनेंट, सो आई विल यूज पिंक कलर. फॉर पिंक आई विल टेक सम व्हाइट कलर. वेन एवर यू वॉन्ट टू मेक एनी लाइट कलर ऑलवेज टेक व्हाइट कलर फर्स्ट एंड देन एड द ह्यू वट एवर यू वॉन्ट द लाइट कलर टू बी. I want to make pink color, so I will add some red in it. This is my double pot. थोड़ा सा रेड कलर लेंगे. लिटिल बिट इसको व्हाइट में मिक्स किया. एंड द पिंक कलर इज रेडी. थोड़ा सा और लूंगी मैं. आई थिंक आई शुड एड सम मोर. इसलिए धीरे धीरे आप मिक्स कीजिए. ये नहीं एक साथ आपने बहुत सारा मिक्स कर दिया वो फिर आपका कलर वेस्ट होगा, क्योंकि फिर आप व्हाइट मिलाते जाओगे कलर बढ़ता जाएगा, व्हाइट मिलाते जाओगे कलर बढ़ता जाएगा. चलिए दिस पिंक कलर इज रेडी. हाँ चलिए इसी को कर रहे थे हम. इसके नेक पे मैं करती हूँ थोड़ा कलर ये वाला. थोड़ा इसको नीचे तक ले लेते हैं.
और जो आपने डॉल बनाई है उसके भी चारों तरफ भी हम थोड़ा थोड़ा टचेस देंगे, थोड़ा आप नीचे भी दीजिए, थोड़ा सिमेट्रिकल वर्क लुक्स गुड। ओके, नाउ आई विल डैब सम कलर You can do dabbing here and there. Be careful, color is wet. आप ऐसा भी कर सकते हो, आप वो लेके अपना इसको मैं थोड़ा खाली कर लेती हूँ। स्पॉन से ही करेंगे वैसे हम, मैं अपना ब्रश का जो कलर है उसको निकाल देती हूँ। ब्रश को पहले वॉश करके आप देख रहे हैं, मैं खाली इस पानी को यूज कर रही हूं, ये पानी मेरा साफ है। दिस इज द स्पॉन्ज पीस, आई विल टेक द कलर लाइक दिस। I will give some color to all the bottle, other parts of the bottle. देखिए इसे डैबर से ज़्यादा अच्छे से आता है, आपको अलग से बाजार से डैबर लेने की जरूरत नहीं है, जो आपके पास है आप उसी से कीजिए। स्पॉन्ज घर में होता ही है थोड़ा बहुत। So like this, you can see this ordinary bottle is converted into an art piece. Can you see this? आप इसके ऊपर कुछ और भी embellishment कर सकते हैं, beads लगाइए उसके ऊपर, कोई डोरी लगाइए। So this is the beautiful doll on this bottle makes it beautiful. और आपकी बाकी जो bottle है वो भी ऐसे ही simple ही रही, वो भी colorful हो गई है। If you can see, thank you Preeti. अभी इसके ऊपर जो एक हमने layer की है, इसके वो Mod Podge की एक layer और आएगी, आप एक दो तीन layers दीजिए। Then it will be a beautiful art piece like this. ये हमने जैसे इसमें कॉर्ड लगा दिए ना, आप कॉर्ड लगा सकते हैं, कुछ बीड्स लटका सकते हैं, उसके ऊपर कुछ और आर्ट वर्क कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ये एम्बेलिशमेंट लगाया है इसके ऊपर मैंने।
this is the verb. Thank you. So that's all for the today. For today, we will meet again on 11 AM every day, I think. If you want, if you like, then give me a thumbs up, and if you don't, no problem. Yes, सफेद बालों में तो टैगोर और जितने भी बड़े लोग, हाँ शर्मा टैगोर, ओ थैंक यू. मैंने कहा आप टैगोर दादा से मिला रहे हैं हमको, रविन्द्रनाथ टैगोर जी. मैंने कहा सफेद बालों वाले तो सारे बाबा बन जाते हैं. थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. ओके, सो आई थिंक वी शुड फिनिश नाउ. बाय बाय, वी विल मीट अगेन. बाय. थैंक यू सुमित्रा जी, थैंक यू. आप लोग इसमें लिखिएगा, कमेंट्स में आप लिखिए जो भी कुछ, मैं उसके बाद में आंसर्स दूंगी. थैंक यू, थैंक्स फॉर नेकलेस. ओके, थैंक्स अ लॉट. तरविंदर, तरविंदर जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर विजिट. वी विल मीट अगेन टुमारो, वी विल मीट अगेन. बाय बाय.